हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी पराठा रेसिपी, जो मैं वेजिटेबल और पनीर के साथ बनाऊंगी। ये खाने में जितना टेस्टी है और पनीर और वेजिटेबल के साथ ये जो उतना ही हेल्दी भी होगा। तो चलिए मैं ये कैसे बनाती हूँ देख लेते हैं। और मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। थैंक यू। पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक कप आटा, उसके साथ मिलाऊंगी मैं एक कप मैदा, क्योंकि आप अगर चाहो तो मैदे के जगह पूरा आटा से भी ये कर सकते हो। तो मैं इसमें मैदा मिलाया है मैंने, और मैं इसमें डाल देती हूँ इसके बाद नमक, इसके बाद मैं डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून वाइट ऑयल या रिफाइंड ऑयल, जो भी आप बोल सकते हो ये डाल देते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये ग्रेटेड गाजर। गाजर मैंने आधा कप ग्रेटेड गाजर को, एक गाजर लेके ग्रेट कर लिया था तो मेरा आधा कप इतना हुआ था ये, तो मैं इसको डाल देती हूँ। और इसके साथ मैं डालती हूँ ये पनीर। पनीर मैंने लिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम पनीर लेके मैंने ग्रेट कर लिया है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। इसके बाद इसमें डालते हैं एक हरी मिर्च, जो ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। इसके बाद इसमें डालते हैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी, ये थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर, धनिया का पाउडर, ये है गरम मसाला पाउडर। उसके साथ मैं इसमें डालूंगी ये धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर मैं डाल देती हूँ 1/4 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और ये लाल मिर्च पाउडर भी मैं डाल देती हूँ 1/2 टीस्पून। तो सबको पहले एक साथ अच्छे से मिला लेते हैं, बहुत अच्छे से मिक्स करना है सबको एक साथ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं घूम लूँगी। ज़्यादा पानी एक साथ डालूंगी तो ये नरम हो जाएगा, फिर पराठा अच्छे से नहीं बनेगा इससे। तो एकदम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसे गूंदना है। देखिए आटा मैंने गूंद लिया है, आटा बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और एकदम नरम भी नहीं है, मीडियम है। इसमें मैं थोड़ा सा तेल लेके इसमें लगा देती हूँ अभी। तो इसको मैं अभी 15 से 20 मिनट तक ढक के रख दूँगी। तो 15 से 20 मिनट तक रख देते हैं इसको, उसके बाद इसका पराठा बनेगा। अभी 15 मिनट हो चुका है, अभी मैं इससे ऐसे लोई निकाल लेती हूँ। जितना बड़ा आप बनाना चाहते हो उतना बड़ा आप निकाल सकते हो, तो मैं ये साइज़ का बनाऊँगी, तो इतना बड़ा मैंने निकाला है। अभी मैं इसमें से 3 लोइयाँ निकाल लिया है, 3 पराठा मैं बनाऊँगी अभी। तो अभी इसको मैं बेल लेती हूँ। अगर आपको आटे की ज़रूरत हो बेलने के लिए तो थोड़ा सा आटा दे के आप बेल सकते हो, मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसलिए नहीं दिया। देखिए एक को मैंने बेल भी दिया है, तो अभी मैं इसको उठा के, मैंने तवा गरम करने के लिए दे दिया है, तो अभी मैं इसको इधर रख देती हूँ सेकने के लिए, फिर दूसरा भी बेल लेती हूँ ऐसे। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि आटा ऐसे चिपक रहा है नीचे या कुछ, तो आप एक काम करना, थोड़ा सा मैं आटा इसमें डाल देना। ये अच्छे से सिक चुका है,
तो अभी मैं इसमें तेल डाल दूंगी। मैं ऐसे चम्मच में तेल लेके इसमें डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा तेल इसमें मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये हेल्दी पराठा है, तो तेल ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। थोड़ा सा ही तेल लेके इसको मैं अच्छे से सेक लिया है, तो थोड़ा सा तेल लेके मैं इसको ये कर दूँगी, क्योंकि तेल ज़्यादा तेल हमारे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है, तो मैं ये कम तेल में इसको सेक लेती हूँ। ये एक पराठा मेरा सिक चुका है अच्छे से, तो मैं दूसरे को भी इसमें रख देती हूँ। इसको सेकने के लिए देते हैं, पहले अच्छे से सिकना है उसके बाद तेल डालना है इसमें। ये मेरा दूसरा जो पराठा है वो है, उसको भी मैं अच्छे से सेक लिया है मैंने, तो थोड़ा सा ही देखिए मैं एकदम थोड़ा सा तेल इसमें डाल रही हूँ, ज़्यादा तेल नहीं डाल रही हूँ, और थोड़ा सा इधर बस, इससे ये अच्छे से सिक जाएगा। अब मेरा सेकेंड वाला पराठा भी सिक चुका है और ये थर्ड वाला मैं इसमें डाल देती हूँ। मेरा ये पराठा रेडी हो चुका है। ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि आप देख रहे हो इसमें सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसको मैं सर्व कर रही हूँ ये टमाटो केचप के साथ और ये ग्रीन चटनी, इस दोनों के साथ मैं सर्व कर रही हूँ। कोई सा भी देखे आप ये खा सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी है। आप खाली भी ये खा सकते हो, कुछ भी नहीं है चाहिए, ये इतना टेस्टी होता है।